أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيدنا ونبينا شفي ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي بسم الله الرحمن الرحيم لولاك لما خلقت الافلاك لولا لي لما خلقت ولولا الفاطمه لما خلقتكما صلوات بھیجے محمد اللہ سامعین مکرم ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میرا روڈ کے جملہ مرحومین و مرحومات کے ارواح کو ایصال کرتے ہیں. بسم صلوات عنایت فرما دے محمد و آل محمد. سامعین مکرم حاضرین مجلس السلام علیکم. پروردگار عالم آپ سب کو شاد و آباد رکھے, کبھی کوئی دکھ نہ دیکھیں, تمام آفات و بلیات سے محفوظ رہیں اور ہر مومن کی دلی حاجات پوری ہو. پروردگار عالم آپ سب کو رزق کی تنگی سے نکال کے رزق خیر کی طرف لے کے جائے. صلوات عنایت فرما دے محمد. میں نے آج کی گفتگو کے لیے کتاب کشف اللعالی صالح بن عبد الوہاب اور ملتقى البحرین, پھر قلب بہجت مصطفیٰ, ان تینوں کتابوں کے اندر ایک حدیث قدسی درج ہے جس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک. محمد عربی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں افلاک کو خلق نہ کرتا اگر آپ کو خلق نہ کرتا. جو لوگ افلاک کا ترجمہ دنیا کرتے ہیں ان کی سوچ کا دائرہ چھوٹا ہے, اس لیے کہ افلاک سے مراد دنیا نہیں, یہ تو ایک عالم ہے جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں.
अमीर कायनात ने फरमाया कि ऐसे 10,000 आलम हैं जिसमें ज़ीरूह सांस ले रहे हैं। तो अफलाक का तर्जुमा अगर करना है तो आप सूरह हम्द की पहली आयत की तिलावत करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आलम एक है तो खुदा ने आलमीन क्यों कहा? देखिए मेरी बात ज़रा बारीक होती है लेकिन तवज्जो के काबिल होती है। परवरदिगार आलम ने फलक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, अफलाक। जैसे सूरह हम्द में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलम नहीं कहा, आलमीन कहा, यानी उस अल्लाह के लिए हम जो आलमीन का रब है। अब तर्जुमा आसान हो जाएगा, लौला का लमा खलकतुल अफलाक। ये जितने अफलाक हैं इनमें का एक भी मैं खल्क न करता अगर मोहम्मद आपको खल्क करना मकसूद न होता। ऐलान, पहला जुज मुकम्मल हुआ। आगे फरमाया खुदा ने लौला अली लमा खलकतो का, अगर अली को खल्क न करना होता तो मोहम्मद आपको भी खल्क न करता। बहुत तवज्जो मुझे चाहिए, हदीस आपकी सुनी हुई है, कुछ बातें इसमें ऐसी हैं जो छूट गई हैं जिसे बताना जरूरी है। सबसे पहली चीज थी अफलाक, दूसरी चीज लौला अली लमा खलकतो का, ऐ अली अगर आपको बनाना मकसूद न होता तो मोहम्मद अरबी को न बनाता। ये मोहम्मद अरबी से कह रहा कि अगर अली ना होते तो आपको भी ना बनाता। दो चीजें हो गई। आगे फरमाया लौलल फातिमा लमा खलकतुकुमा, अगर फातिमा को बनाना मकसूद ना होता तो ना अली आपको बनाता ना मोहम्मद आपको बनाता। आप अगर थोड़ा थोड़ा और आगे अगर आ सकते हो तो तशरीफ ले आए, एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। आज की मजलिस इसलिए भी जरा खास है कि आयतुल्लाह वहीद खुरासानी की डेट ऑफ बर्थ है आज, और आज जो इंडिया में और दीगर ममालिक में अय्याम अज़ाए फातिमिया का इनेकाद हो रहा है इसमें हमारे दो उलमा का हाथ है, दो उलमा का हाथ है, ये याद रखिएगा। एक आयतुल्लाह जवाद तबरेजी, शायद बच्चों ने इनका नाम न सुना हो, मैं इनके सिलसिले से एक जुमला पढ़ के आगे बढ़ जाना चाहता हूं। एक आलिम है आयतुल्लाह जवाद तबरेजी, दूसरे आलिम है आयतुल्लाह वहीद खुरासानी। 1 जनवरी यौम विलादत है आयतुल्लाह वहीद खुरासानी का। इनका नाम वहीद नहीं है, इनका नाम हसन या हुसैन है। चूंकि काफी अरसा पहले एक वहीद गुजरे थे उनके बाद फिर ये वहीद हैं। इस पीरियड में ऐसा कोई आलिम पैदा नहीं हुआ जिसे वहीद कहा जा सकता। फिर लफ्जों पे गौर करें, इस पूरे पीरियड में एक आलिम ऐसा ना हुआ जिसे वहीद कहा जा सकता, इसीलिए इन्हें वहीद सानी हसन खुरासानी। जरा सा तवज्जो फरमा ले, मैं अपने बच्चों को चाहता हूं करीब कर दूं। दूसरे आलिम का नाम है आयतुल्लाह जवाद तबरेजी। ये कौन है मैं अपने बच्चों को बताता चलूं, इन्होंने अपने दौर में एक फतवा दिया था, जो फतवा इनकी पहचान है। वो फतवा था, आपने फरमाया कि जो पेश नमाज ज़ियारत आशूरा के किसी भी फिक्रे पे शक करे उसके पीछे नमाज जायज नहीं है। नहीं, इल्म जब सुना करें ना तो बोला जरूर करें। जवाद तबरेजी साहब ने अपनी जिंदगी में यह फतवा दे दिया था उस जमाने में जब कोई ज़ियारत आशूरा पे उंगली नहीं उठा रहा था, तब आपने फतवा दिया। और फतवा यह था कि जो ज़ियारत आशूरा के किसी एक फिक्रे पे भी शक करे उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं है। 2018 में ज़ियारत आशूरा की मुखालफत शुरू हुई।
लफ्जों पे गौर करें मेरे नौजवान, 2018 में ज़ियारत आशूरा की मुखालिफत शुरू हुई। सच्चा आलिम उसे कहते हैं जो खतरा आने से पहले दरवाजा बंद कर दे। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये मजलिस है, मैंने कहा कि अगर मैं बाहर से आके पढ़ता अपने तमाम जौहर दिखाता, लेकिन मैं चाहता हूं कि अय्याए अय्यामे अज़ाए फातिमिया ये जहनों में मेरे बच्चों के बैठ जाए। इसलिए कि ये आजादारी एक सफर है, इससे मंसूब हर चीज अपने अंदर एक इल्लत रखती है, एक सबब रखती है। जमाना आज हमारी हर चीज पे एतराज करता और एतराज करता चला आया। मसलन हम रोते क्यों हैं, इस पे एतराज। हद ये है कि फतावे छप छप के पान की दुकान तक आ गए। मेरे लफ्जों पे गौर नहीं किया आपने, मुखालिफीन के फतावे छप छप के पान की दुकान तक आ गए और पान वाले उसमें पान बांध के लोगों तक देने लगे। मैंने खुद देखा है, एक फतवा रजविया गैरों के हाथ से छपी थी, उसमें जब पान खाने के लिए गया तो उसने बांध के दिया। हमने कहा याद रखो, जब भी कोई मुखालिफत आले मोहम्मद में किताब लिखी जाएगी उसका अश्र यही होगा कि वो कुतुब खाने में ना मिलेगी, पान के दुकान पे मिलेगी। अरे लफ्जों पे गौर कर, जल्दी जल्दी मैं चाहता हूं कुछ बातें आपको समझा दूं। जवाद तबरेजी, ज़ियारत आशूरा के फिक्रे पे लोगों ने एतराज करना शुरू किया। क्या एतराज? ये फिक्रा मासूम का नहीं लगता। देखिए एतराजात हो रहे हैं, क्यों? मासूम ने खुल के कहा अल्लाहुम्मा लना अबा सुफियान व मुआविया इब्न अबी सुफियान व यजीद इब्न मुआविया व आला मरवान अलैहिम मिनकल लानतु अबदल आबदीन। कहते वो तो अखलाक बताने आए थे, जियारत में लानत नहीं बताएंगे। याद रखिए, जब बंदा मौला पे भौंकने लगे तो बंदगी से खारिज हो जाता है। मेरे लफ्जों पे गौर कीजिएगा, जब बंदा मौला पे भौंकने लगे ना तो बंदगी से खारिज हो जाता है। इसीलिए हमारे आलिम दीन ने कहा था कि हम अगर अपने आप को किसी इमाम का कुत्ता कहे तो उसके बाद 100 मर्तबा अस्तग़फिरुल्लाह कहे। जब उनसे पूछा गया सरकार क्या हम कुत्ते नहीं है, क्या हो मगर अभी धुतकारे नहीं गए हो। सलावत भेजे ना मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुजुर्गान तवज्जो फरमा ले जुमले पे, क्या कहा उन्होंने? अगर हम अपने को किसी इमाम का कुत्ता कहें तो फिर सिदके दिल से 100 मर्तबा अस्तग़फिरुल्लाह कहें। क्या आलिम की बात है, खुदा की कसम। पूछा गया क्यों, क्या हम हैं नहीं, का हो लेकिन अभी तक तुम्हें अता किया गया है। देखिए लोग पहुंचे हैं लेकिन पूरे तरीके से नहीं, अभी तक तुम्हें अता किया गया है, धुतकारा नहीं गया है, धुतकारा नहीं गया है। मैं किताबों के अंबार लगा सकता हूं जहां मौला ने यह फरमाया है कि जानवरों से भी सीखो, जानवरों से भी कुछ ना कुछ सीखो। जैसे सगे नजिस से कहा गया वफा सीखो, वफादारी सीखो। कहते अभी तुम्हें धुतकारा नहीं गया, क्या वजाहत तो कीजिए सरकार, अस्तग़फिरुल्लाह भी पढ़ लेंगे लेकिन और वजाहत कीजिए। क्या इसका खासा ये होता है कि मालिक धुतकार भी दे तो पलट के मालिक के पास आता है, दुश्मन के पास नहीं जाता। मेरे बच्चे इस बात को समझे कि पलट के मालिक के पास ही जाएगा, दुश्मन के पास नहीं जाएगा, दुम उसी के सामने हिलाएगा। 10 बार भगाए 10 बार आएगा। शुक्र अदा कीजिए कि अभी आले मोहम्मद ने धुतकारा नहीं है, अभी हम उसी जुमरे में हैं, अपनाने वाले जुमरे में।
बहुत जल्दी जल्दी मैं चाहता हूं आपकी खिदमत में चंद मारूजात पेश कर दूं। ज्यारत आशूरा पे मतन पे एतराज के आले मोहम्मद ऐसा नहीं फरमा सकते। मेरा एक सवाल है, अल्लाह से ज्यादा करीम तो कोई नहीं? ये 14 उनके करम के मजहर हैं। लफ्जों पे गौर नहीं किया, अल्लाह करीम है ये कुरान में लिखा है, पता न चलता अगर अहले बैत करम करके न बताते। 14 उसकी करीमी के मजहर हैं। इन्होंने करम किया तो हमें पता चला कि जब इनका करम ऐसा है तो मुतलक करीम का करम क्या होगा? बहुत तवज्जो मुझे चाहिए, मुतलक करीम का करम क्या होगा? वो मुगीरा, नाम सुना है आपने, मुगीरा को कुरान में जनीन कह रहा है। अब मैं बच्चों के लिए बता दूं, जिना करने वाले को जानी कहते हैं और खानदानी जिनाकार को जनीन कहते हैं। आज तवज्जो किया होता आपने, जिना फेले हराम है जिसकी बड़ी सख्त सजाएं हैं, इसे जानी कहा जाता है, और जिसके घर का पेशा ही यही हो उसे जनीन कहा जाता है। भाई अल्लाह तो रुक नहीं रहा, मैं लफ्जों पे गौर किया, भाई खालिके अखलाक तो ठहर नहीं रहा, सारे जुर्म बयान करते करते कह रहा ये जनीन भी है। मेरे माबूद तू जरा ढका छुपा लफ्ज इस्तेमाल करता, कहा अगर ये ढके छुपे गुनाह करते हैं, लफ्जों पे गौर करे, ढके छुपे गुनाह करते तो मैं अल्फाज ढक देता, चूंकि इनके गुनाह मंजरे आम पे आ चुके हैं अब लिहाजा लफ्ज भी मंजरे आम वाला होगा। तो याद रखो अगर हुसैन का कत्ल मैदान में ना होता मुमकिन थी लानतें छुप जाती। लानतें छुप जाती लेकिन अब लानतों के छुपाने का इम्कान नहीं। हाँ, और ये भी बता दूं कि आज मैं बीबी सलामुल्लाह अलैहा के उस दुआ की तिलावत करने वाला हूं जिसके लिए बीबी ने फरमाया है, सुन लीजिएगा, कि दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं मुझे उनमें सबसे ज्यादा महबूब ये दुआ है। तो मुझे थोड़ा ज्यादा वक्त चाहिए होगा, जमाना ये सोचता है कि दुआ मजलिसों में नहीं। कौल सुन लो अपने मौला का, अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का असलहा है। एक जो आप सुनते रहते हैं वो मैंने बता दिया, अगर शबे जुमा आपने दुआए कुमैल की तिलावत की होगी, आज पूरी दुनिया में यह कहा जा रहा है कि भाई आप मजलिसें कीजिए मगर रोइए मत, और जब किसी चीज की मुखालिफत हो तो मरहूम तालिब जौहरी साहब कहते थे कि मातम की मुखालिफत हो तो इतनी मातम करो कि कान से खून निकले। देखिए बुजुर्गों की बातें पहुंचाई जाएंगी, जब मातम की मुखालिफत हो इतना ज्यादा मातम करो कि दुश्मनान दीन के कान से खून निकलने लगे, जब नारे हैदरी पे एतराज हो इतना नारा लगाओ कि मुखालिफीन नारी हो जाए। मैं लफ्जों पे गौर करें, खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल करना मेरी आदत है, जब भी नारे पे एतराज हो इतना नारा लगाओ कि मुखालिफे नारा नारी हो जाए। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैंने अरबी में कहा या हिंदी में, ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैंने अरबी में नारा इस्तेमाल किया है नारी या हिंदी वाला। तो जब भी किसी चीज की मुखालिफत हो, देखिए आंसू के सिलसिले से आपने बड़ी दलील सुनी होगी, एक दलील मौलाए कायनात ने अपने दौर में दी, कुमैल बिन जियाद नुखई को दुआए कुमैल तालीम कर रहे हैं, ये दुआ मेरे मौला की है,
तालीम कुमैल बिन ज़ियाद नुखई को किया है। कुमैल ने जब ये अल्फाज देखे सवाल किया, मा हाजल फर्क बैनका व बैनल्लाह, आपके दरमियान और अल्लाह के दरमियान क्या फर्क है मौला? नहीं, खुदा के लिए तवज्जो कीजिएगा, एक जुमला सुनाऊंगा और तबीयत बाग बाग हो जाएगी। क्या कहा? मा हाजल फर्क बैनका व बैनल्लाह, फिर आपके दरमियान और अल्लाह के दरमियान क्या फर्क है? अब इमाम का जुमला सुनना, कुमैल की तरफ देखा और कहा, तुम इस बात के हामिल हो कि मैं तुमसे इसका जवाब दूं? आपने फरमाया वल्लहु दुआ वली नदा, वो दुआ वाला है, मैं नदा वाला हूं। मेरे लफ्जों पे गौर किया, वो दुआ वाला है, मैं नदा वाला हूं। दलील इलाही दुआ, अल्लाहुम्मा दुआ, अल्लाहुम्मा सल्ले अला फातिमा दुआ। फिर मौलाना निदा पे भी तो दलील दीजिए भाई, इससे बड़ी दलील क्या दूं? नादे अली यम, फर्क है, वो दुआ वाला है, मैं निदा वाला हूं, ये फर्क बताया। तो रोने पे मौला ने क्या दलील दी? ये दुश्मन जो परेशान है मेरे नौजवानों के, मजलिस कीजिए, रोइए मत, ये चीख मार के रोना बिदअत, इससे इबादत बातिल होती है। अली ने दुआए कुमैल में बताया, फितरा अगर पहली बार टकराए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। अली ने दुआए कुमैल में फरमाया वस्सलाहुल बुका, याद रखना रोना तुम्हारा हथियार है। एक सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस सिलाहुल बुका, असलहा है तुम्हारा, क्या रोना, इसका मतलब रोने में कोई इतनी बड़ी ताकत पोशीदा है जिसे जमाना समझ नहीं सकता। रोने में कोई इतनी बड़ी ताकत पोशीदा है जिसे जमाना समझ नहीं सकता। अब मुतवज्जे मेरी तरफ रहें, यहां से जरा फलसफियाना गुफ्तगु शुरू हो रही है। ये जुमला किसका है? ये बताएं, ये जुमला किसका है? मौलाए कायनात का, शर्मा के ना बोला करें। मौला ने फरमा दिया दुआ मोमिन का असलहा, बुका मोमिन का हथियार, सिलाह के माना होते असलहे के, मोमिन का हथियार। अली का ये फिकरा दुआ की किताबों में दम तोड़ देता अगर फातिमा ने रोने को अपना असलहा न बनाया। इन लफ्जों पे गौर करें खुदा के लिए, बड़ी मेहनत लगती है। बीबी सलामुल्लाह 18 बरस की उम्र, फजाइल तलाश करना, अली के ये अल्फाज दुआओं की किताब में बंद रह जाते। फातिमा ने कहा आओ मैं अपने शौहर के इस लफ्ज की तफसीर करूं। नहीं, लफ्जों पे गौर करें, अब यहां से बुजुर्गान मुतवज्जे हों, मैं अपने शौहर के इस लफ्ज की तफसीर करूं। अब बीबी ने 28 सफर के बाद से रोना शुरू किया। रोती कहां थी? दरवाजे पे, जो दरवाजा जल गया था ना, दरवाजा कहां था? अब बोलिए मेरे साथ, दरवाजा कहां था? मस्जिद में। भाई खुदा के लिए तवज्जो चाहिए मुझे, मस्जिद में। कायनात से जो भी मुसलमान आता था पलट के पूछता था ये रो क्यों रही है। भाई खुदा के लिए अगर ये मेरी बातें समझ में आ गई ना, अय्याम अजाय फातिमी मुमकिन है। ये जो बीबी का घर था ये कहां था? फैक्ट है ना, कोई शको शुभा नहीं।
अब आहिस्तगी से फजीलत की एक कायनात सुना रहा हूं, चुपके से सुन लीजिएगा, दाद दीजिए ना दीजिए। अली कहां पैदा हुए? बुतूल का घर कहां था? तो हसन कहां पैदा हुए? भाई इस रुख से किसी ने सुनाया था आपको? हसन कहां पैदा हुए? मस्जिद में। हुसैन कहां पैदा हुए? मस्जिद में। ज़ैनब कहां पैदा हुई? मस्जिद में। इसीलिए तो इन्हें गुस्ल नहीं दिया गया, क्योंकि ये पाक करने आए हैं, पाक होने लाए। मेरे बच्चों बोला करो, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझाया, सिंपल तरीके से। बुतूल बीबी का घर कहां है? मस्जिद में। ज्यादा तशरीह में अगर जाइएगा तो मस्जिद नबवी का जो दायरा है ना, उसका किवाला निकालिएगा, किवाला निकालिएगा और निकाल के देखिएगा कि रसूल ने यह जमीन किसके नाम पे ली है। कसम खुदा की ये किताब मैं अपने सर पे रख के एक फिक्रा दोहरा रहा हूं, हमारे आलिम दीन वहीद खुरासानी का, रसूल ने यह जमीन फातिमा जहरा के नाम पे ली। नहीं फिरोज भाई, आपने कहा, यकीनन मैं कोशिश कर रहा हूं, अपने आप को रोक रहा हूं कि माइक से ना हटूं, लेकिन ये फिक्रा तो मुझे कहने दीजिए, जमीन किसके नाम पे ली है? बीबी के नाम पे। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इशारा दूंगा। अभी तक ये पता था कि घर फातिमा का मस्जिद में। मैं सलाम कर रहा हूं आपको। अभी तक ये पता था कि फातिमा का घर मस्जिद में, आज पता चला अल्लाह का घर फातिमा की जमीन में। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों इसमें आके मेहनतें करता हूं? ये हमारे बच्चे हैं कुछ जो मुसलसल अय्यामे अज़ाए फातिमिया में मेरे कदम से कदम मिला के चलते। क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्यों तीन चार दिन की मजलिसे, यकीन जाने मिंबर से कह रहा हूं कि जो मजलिसे यहां पढ़ रहा हूं, अगर मीरा रोड के सरहद से बाहर निकल के पढ़ूं तो सब जानते हैं कि हदिया भी ज्यादा है, सहूलतें भी ज्यादा हैं। क्यों ये मजलिसे यहां पे पढ़ रहा हूं? मैं चाहता हूं कि इस सरजमीन को जनाब फातिमा की विला से पहचाना जाए। यकीन जाने आज आप लखनऊ चले जाएं, मैं आपको 200 बंदे खड़ा कर दूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा इनका ताल्लुक मीरा रोड से है, वो पलट के पहला जुमला कहेंगे, अच्छा वही जगह जहां बीबी फातिमा की 24 मजलिसें होती हैं। ये हमारी पहचान का जरिया, ये हमारी विला आले मोहम्मद की बारगाह में कबूल हो जाए। मैं अपने बच्चों से कहता हूं, ये बुजुर्गान जो है इन्होंने अपनी जिंदगी गुजार ली और गुजार रहे हैं, अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बनती हैं। जरूरी नहीं कि अजीज गाजी या उसके साथ जो टीम है या जो और लोग हैं, जैसे रिजवान मुसलसल सबीले जनाबे फातिमा की तरफ ध्यान देता है, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, इन्हें तरक्की दे। तुम्हें नहीं पता कि सबील है क्या? मैं बताऊं सबील क्या है, सिर्फ एक जुमले में, सबील कुरान में तुम्हारे मौला अली का नाम है। काश तवज्जो किया होता। अब सबील से काम क्या लिया जाता है? सैराबी का। भाई लफ्जों पे गौर करना, मेरे पीछे जो दोस्त बैठे हुए हैं कैमरे के उस तरफ छुप के, सबील मौला अली का नाम, सबील का काम क्या है? सैराब करना। अली को सबील इसलिए किया गया कि अगर इल्म का भूखा है अली सैराब करेंगे, दौलत चाहिए अली सैराब करेंगे, इज्जत चाहिए अली सैराब करेंगे।
मैं दस्ते अदब जोड़ के कह रहा हूं आपके साथ, मजलिसों में खुद भी आए, अपने बच्चों को लेके आए। मैंने अय्यामे अज़ाए फातमिया से पहले गुजारिशात निकाली थी। गुजारिशात में पहली गुजारिश ये थी कि वालिदैन अपने बच्चों को बताएं कि जनाबे फातिमा पे क्या क्या जुल्म हुए। तकैया का जमाना अब नहीं है, और अबूजर पे तकैया हराम था। इसका मतलब तकैया कुछ लोगों पे है, कुछ पे हराम है। क्यों? उन्हें बताना है। अभी तो तुम घर से निकल के आते हो, सदरी ठीक की, कुर्ता ठीक किया, मजलिस में आए, चले गए। मेरा भी हालम यही है। अभी हमने मोहब्बत अली में अपनी पसलियां नहीं तोड़वाई हैं। अभी तुम इम्तिहानात से नहीं गुजरे हो। जाओ अपने घरों पे बताना कि अय्यामे अज़ाए फातिमिया की मजलिस शुरू हो चुकी, वक्त निकाल के आए। इसलिए कि मैदाने मशर में 2 BHK काम नहीं आएगा, फातिमा की मवद्दत काम आएगी। कल ही मैंने करमे जनाबे फातिमा में सुनाया था कि रसूल सजदे में सर रखे रहे, उठा ही नहीं रहे। बीबी ने क्या कहा? मैं ये काम कर लूंगी। खुदा ने कहा, जिब्राइल जाओ, हबीब को उठाओ, चादर उतारने से रोको और कहो कि उसको बख्श दूंगी जिसे फातिमा चाहेगी। यानी बख्शिश का काम जनाबे फातिमा के हाथ में है। मजलिसों में आइए, वक्त निकाल के आइए। अगर किसी दोस्त के साथ खड़े हैं और उसने कलाई पकड़ रखी है तो कलाई छुड़ा के आइए और उससे कह के आइए कि हम उसकी मजलिस में जा रहे हैं जिसने हमें इज्जत दी है। मेरे नौजवानों, इन लफ्जों पे गौर करो, जिसने हमें इज्जत दी है। मैंने यह हदीसे कुदसी क्यों पढ़ी पता? बड़ी आसानी से आपने सुन लिया, लौला का लमा खलकतुल अफलाक। मोहम्मद, आप ना होते तो अफलाक को खल्क ना करता। फिर इंसाफ से बताओ, मोहम्मद नहीं होते तो अफलाक नहीं, अली नहीं होते तो मोहम्मद नहीं, फातिमा नहीं होती तो ये दोनों, यही तर्जुमा किया जाता है ना? नहीं, गलत है तर्जुमा। तीनों, पहले अफलाक नहीं, फिर मोहम्मद नहीं, फिर अली नहीं। और अगर अली ना होते, शजरा पहचाना ना जाता। मेरे लफ्जों पे गौर करना। इसीलिए तो डॉक्टर ताह हुसैन मिस्री ने कहा था, इस हदीस को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अगर फातिमा ना होती, ना रिसालत होती, ना नबुवत होती, ना इमामत होती। जब रिसालत नहीं, नबुवत नहीं, इमामत नहीं, तो खिलाफत कहां से होती? सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अय्यामे अज़ाए फातिमिया, अहिया जरूरी। मैंने बताया रोना क्या है, हथियार है मोमिन का। अच्छा, अय्यामे अज़ाए फातिमिया में सियाह लिबास, बहजत साहब ने खुद फरमाया अपनी जिंदगानी में, अल्लाह गरीक रहमत करे, अय्यामे अज़ाए फातिमिया में सियाह लिबास पहनो। अभी 3 दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई साहब ने एक बयान दिया। किसी ने आपसे पूछा, और इस बयान को पहुंचा दीजिएगा, किसी ने आपसे पूछा, अय्यामे अज़ाए फातिमिया की मजलिसों में आप इतने पहले क्यों आ जाते हैं और इतने बाद तक क्यों रहते हैं? इन्होंने मुस्कुरा के फरमाया, तुम देखते नहीं, अय्यामे अज़ाए फातिमिया से हम साल भर का रिस्क ईरान का लेते हैं। नहीं नहीं, आपने जुमला हल्के में ले लिया है। अय्यामे अज़ाए फातिमिया से हम 1 साल का रिस्क ईरान का लेते हैं। तो एक बात तो मीरा रोड के मोमिनीन को पता चल गई कि रिस्क फातिमा से मिलेगा, किसी और से नहीं। सलावात भेजे मोहम्मद वाले। अब सुनिए जल्दी।
1 जनवरी आयतुल्लाह वहीद खुरासानी की यौम विलादत। दुआ करें कि ऐसा आलिम सेहत के साथ रहे, सलामत रहे, इनका साया हमारे सरों पे बरकरार रहे। खुदा की कसम आज अगर हिंद से लेके पाकिस्तान और दीगर ममालिक तक अय्याम अज़ाए फातिमिया की पहचान हुई है तो इन दो आलिमों की वजह से, एक जवाद तबरेजी की वजह से, दूसरे वहीद खुरासानी की वजह से। 100 साल मुकम्मल किए। अच्छा आप खुश नहीं हुए? खुशी का पता चेहरे से तो चलता है ना, तो चेहरा तो खिलना चाहिए। 100 साल मुकम्मल किए इस आलिम दीन ने, और इसी आलिम दीन ने कहा था कि जब कोई अय्याम अज़ाए फातिमिया में अपने घर से निकलता है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उसके पैर चूम लूं। मैं उसके कदमों को चूम लूं। अच्छा इन्होंने जोर क्यों दिया? अब सुनिए, पाकिस्तान से एक किताब लिखी गई, मेरे बच्चे बहुत गौर से इस डॉक्यूमेंट्री को सुने। पाकिस्तान से एक किताब लिखी गई जिस किताब का नाम था फातिमा अज विलादत ता अफसाने शहादत। यहां पे आपको कहना चाहिए था अस्तग़फिरुल्लाह, लफ्जों पे गौर किया कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि लफ्ज ही खतीब की जान है। किताब का नाम क्या है? फातिमा अज विलादत ता अफसाने शहादत। अफसाना किसे कहते पता है? जिस बात में कोई दम ना हो उसे फसाना और अफसाना कहते हैं। तखयुलात को अफसाना कहते हैं, गलत सोच को अफसाना कहते हैं। तो उस बदतमीज और बदतहजीब ने ये किताब लिखी अफसाने शहादत, फातिमा अज विलादत ता अफसाने शहादत। ये किताब सफ़र करते 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 जवाद तबरेजी और वहीद खुरासानी साहब तक पहुंची। जैसे ही इन दोनों आलिमों ने, मैंने खुद किताबों में पढ़ा इनके बारे में, कि जब इन दोनों आलिमों ने उस किताब को उठाया तो चीख मार मार के रो रहे थे। और वल्लाह हुसैन, इन दोनों आलिम ने अपनी जूतियां नहीं पहनी। नहीं गौर किया? मेरी माएँ बहनें भी सुने आज की मजलिस, मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि आपको अहमियत बताऊं। दोनों आलिम ने जूतियां नहीं पहनी और एक दूसरे से वादा किया कि उस वक्त तक नालैन नहीं पहनेंगे जब तक इन अय्याम को जिंदा ना कर लें। क्यों? बात समझ में आ रही है आपके? इनके पास थोड़े काम नहीं होते हैं, इन्हें दर्स भी देना है, इन्हें आले मोहम्मद की अहादीस भी लिखनी है। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम नालैन नहीं पहनेंगे, जूतियां नहीं पहनेंगे जब तक अय्याम अज़ाए फातिमिया को जिंदा ना कर लें। उसके बाद दोनों के दोनों हुजरे में गए और एक दूसरे से गले लग के 4 घंटे रोते रहे। कितने घंटे? 4 घंटे रोते रहे। मेरी माए बहने, अपने बच्चों को लेके आओ मजलिसों में, उन्हें बताओ कि जनाब सैयदा पे क्या जुल्म हुए, उन्हें बताओ कि बीबी का कातिल कौन है। मीरा रोड वालों, मोबाइल में स्टेटस लगा रहे। स्टेटस क्या है? इंसान की सोच बताता है। मेरे अल्फाज बुरे लगेंगे, बीबी की शहादत के दिन भी मीरा रोड के 3 मोमिन का बाकायदगी से स्टेटस था हैप्पी न्यू ईयर, सॉरी हैप्पी बर्थडे फलां, बच्चे की ही फोटो थी। जब तुम खुद इतने गाफिल हो जाओगे, मुझे पता था मुझे इन जुमलों पे दाद नहीं मिलेगी, ना मिले। मैंने कहा मैंने बहुत दाद ले रखी है। हैप्पी बर्थडे, किस बात की खुशी है? ठीक है तुम मना रहे हो, लेकिन पहले यह तो देखो कि मौला ने फरमाया हमारा चाहने वाला वो जो हमारी खुशी में खुश, हमारे गम में गमगीन,
अगर मौला की खुशी है घर में बाप भी मर जाए तो बाद में दफनाओ, पहले अली की खुशी मनाओ। और अगर मौला का गम है हमारी लाख खुशियां हो, माँ बाप अगर केक लेके भी आ रहे हैं तो बच्चे पलट के कहें कि बाबा एक बार कैलेंडर देख तो लिया होता, एक बार कैलेंडर देख तो लिया होता, कहीं इसमें गम तो नहीं है। और देखिए ये आज ही की बात नहीं है, मुंतहल आमाल। हमारे कब्बन भाई ने, अल्लाह इन्हें अच्छा रखे, इनके बच्चे को भी सेहत दे, पोस्ट डाली थी, उस पर एक साहब ने कमेंट किया था, मैंने पढ़ा था, जवाब भी खातिर खा दिया था, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा जवाब और तफसीली तौर पे दे दिया जाए। शेख अब्बास कुम्मी तो आज के आलिम नहीं, मफातिहुल जनान सबके घर में मौजूद है ना, हा? इस किताब का नाम तो जानते, ये तो आज के आलिम नहीं है। उनके जमाने में भी ये बात उठी कि बीबी की शहादत 13 को है या 3 जमात उस्मानिया को, तो आपने फरमाया था कि उलमा दोनों तारीख के कायल हैं, लिहाजा शियों को चाहिए कि ये तारीख भी मनाए वो तारीख भी मनाए। मुंतहल आमाल किताब का नाम है जिसमें ये जुमला मौजूद है। बार बार कह रहा हूं, दूसरा पैगाम मेरा ये था कि सियाह लिबास पहने, सियाह लिबास पहने। हमारे कितने उलमा की बातें अब तक आ चुकी, क्या यामे अजाए फातिमिया मिसले मुहर्रम है नहीं, ये बात हमारे उलमा की है तो बात से बात तो निकलेगी। अगर अय्यामे अदाए फातिमिया मिसले मुहर्रम है तो फिर फातिमा का कातिल भी मिसले यजीद है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर अय्यामे अदाए फातिमिया मिसले मुहर्रम है तो जहरा का कातिल भी मिसले यजीद, बल्कि उससे भी बदतर, उससे भी बदतर। मैं दलील दे दूं, चूंकि मुख्तारनामा यहां नहीं होता और मेरे पास अभी वक्त है थोड़ा सा, उसके बाद दुआ की तिलावत करूंगा, दलील दे दूं। खलीफा ने खत लिखा, खलीफा के बेटे ने, अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने खत लिखा किसे, यजीद को, कि मैं खूने हुसैन का सहारा लेके दुश्मन की चाल समझें, खूने हुसैन का सहारा लेके, मेरे बच्चे ज्यादा समझें, खूने हुसैन का सहारा लेके यलगार करूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा तेरे हुकूमत की। तो यजीद ने जवाब खत लिखा कि यलगार करने से पहले एक बार मेरे पास आओ। जवाब खत गया कि तू मेरे कत्ल का असबाब मुहैया करेगा, का अपने साथ 40 और ले आओ, मैं भी तने तनहा रहूंगा, कत्ल का कोई इरादा नहीं है। बहरहाल जब सोच एक होती है, मेरे लफ्जों पे गौर नहीं किया आपने, तो भरोसा करना ही पड़ता है। अब्दुल्ला इब्ने उमर गया, यजीद उसे तहखाने में ले गया और जब खत लिखा था ना तो कहा था अपने बाप की मुहर साथ लेते आना। गया, एक संदूक खोला, उसके अंदर दूसरा संदूक, फिर तीसरा, 7 संदूक के अंदर से खत निकाला। कहा ये बता अपने बाप की तहरीर पहचानता है, बहुत गौर से सुनिएगा, कहाँ पहचानता हूं। कहा मुहर भी पहचानता है, कहाँ पहचानता हूं। हाथ रख के कहा ये मुहर तेरे बाप की है, कहाँ मेरे बाप की है। कहा अब खत भी पढ़ ले, लिखा था माविया तुझे कसम है कि अहले बैत के घराने के एक फर्द को भी न छोड़ना। भाई सारी साजिशें तो मैंने बयान कर दी आपके सामने, का ईंट की ईंट बजाने से पहले एक बार बाप का खत भी पढ़ ले, अगर तूने जरा भी आंख दिखाने की कोशिश की
तो तेरे बाप का खत मंजर आम पे ले आऊंगा और जमाने को बता दूंगा कि करबला हमने नहीं तेरे बाप ने करवाई थी। रुकना, जुमला सुन लेना, करबला हमने नहीं तेरे बाप ने करवाई थी। इसीलिए मक्तले शेख सुदूक में, शेख सुदूक ने एक मिसरा लिखा कि अली असगर के गले पे जो तीर लगा था वो चला करबला से था, आया सकीफा से था। सलावात भेजे मोहम्मद वाले, चला करबला से था, आया सकीफा से। ये याद रखिए कि करबला का तहरीरी मुजरिम रसूल का कातिल है। ये मैं क्यों चाह रहा हूं, इतने डीप में गुफ्तगू क्यों कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि मोमिनीन मीरा रोड बेदार हो, ये नौजवान बेदार हो, यही हमारा मुस्तकबिल है, ये बच्चे समझें, क्योंकि यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। दाद लेना ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, लेकिन मैंने कुछ बरसों में अपने अनावीन को चेंज किया है, बदला है, तरीके को बदला है, सलीका समझाया। जब तक हमारे बच्चों को यह पता नहीं चलेगा, कभी हयात ने साथ दिया तो मैं ये पढ़ूंगा, इस मौजू पे गुफ्तगू करूंगा कि जिन्हें हम नहीं मानते उन्हें क्यों नहीं मानते, ताकि मेरे बच्चों को पता तो चले कि हमें यजीद से क्यों नफरत है। खुदा की कसम मेरे दोस्त, अगर तुम चाहो भी तो यजीद को नहीं मान सकते, तुम्हारा खून तुम्हें मानने नहीं देगा। और याद रखना, अगर कातिले जनाबे सैयदा के सिलसिले से कोई रिजर्वेशन से काम लेता है तो मैं चैलेंज करता हूं कि उसका डीएनए करवा लो, सही निकलेगा ही नहीं। मैं मिंबर पे बैठ के चैलेंज कर रहा हूं, कातिले जनाबे सैयदा के सिलसिले से अगर कोई रिजर्वेशन से काम लेता है, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, जनाबे सैयदा की जात पे भरोसा करके, कि उसका डीएनए करवाओ, सही निकल ही नहीं सकता। इसलिए कि सैयद रजी ने एक जुमला कहा था, अगर इमाम के सिलसिले से, फजाइल के सिलसिले से, उनके मनाकिब के सिलसिले से, उनके असरार के सिलसिले से कोई शक करे तो उसे समझा के सही रास्ते पे लाओ, लेकिन अगर फातिमा जहरा के सिलसिले से कोई शक करे तो उनसे सारे रिश्ते तोड़ लो, क्योंकि फातिमा पे वही शक करता है जिसका शजरा खराब होता है। सलावात इनायत फरमा दे मोहम्मद। तो कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, अय्याम अज़ाए फातिमिया और बेहतर। मेरे बच्चों, खुद आके देखो कि गंदगी तो नहीं फैली है। तुम्हें पता है कि इन अय्याम में बीबी नहीं आएंगी, हुसैन आएंगे, सियाह लिबास पहने। मैं बार बार कह रहा हूं, हाँ ये बताना भूल गया, बार बार कहा लेकिन ये बताना भूल गया कि सियाह लिबास क्यों पहनना है। सियाह लिबास की एक तौजीह मैंने मुहर्रमुल हराम में पढ़ी थी, वो सुन लीजिए। सियाह लिबास पहनने की ताकीद गमों में इसलिए की गई है कि सियाह लिबास का मतलब होता है कि ऐ जाने वाले, तेरे जाने ने मेरी रोशनी छीन ली है। मैं किसी पे भी तनकीद नहीं कर रहा हूं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐ जाने वाले, तेरे जाने की वजह से मेरी रोशनी जायल हो गई। अब इस पे दलील दे दूं, यही तो अली अकबर ने हुसैन के लाशे पे, हुसैन के ने अली अकबर के लाशे पे कहा था, ए मेरे लाल, तेरी मौत ने मेरे आंखों की बीनाई ले ली। अब उस दुआ की तिलावत का वक्त आ गया जिसके लिए बीबी ने फरमाया है कि दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं उन सबसे ज्यादा महबूब ये दुआ है। अब ये दुआ किस लिए है? बीबी फरमाती हैं कि जितने मसाइब तुम पे दुनियावी हैं खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आगे फरमाती है, जो आने वाली तकलीफ है वो भी खत्म,
और इसके बेशुमार और बेपनाह फवायद हैं। ये देखिए, ये दुआ यहां से शुरू हुई है लेकिन इसके फायदे यहां से लिखे हुए हैं, मैं सब नहीं पढ़ रहा। हाँ, अगर आप में से किसी को लगता है कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं या जो मैंने पिछले साल से अपनी मजलिस का एक तरीका रखा है सही नहीं है, तो मुझे रिव्यू में अपनी बातें पहुंचा दीजिए, और अगर ये पसंद है तो फिर खुलूस नीयत के साथ, ये जनाब सैयदा की दुआ नहीं है, ये जो हमला अली ने खैबर में किया है ना, वही फातिमा ने दुआ में किया, जो हमला अली ने खंदक में किया है ना, वही फातिमा ने अपनी दुआओं में किया है। कभी जिंदगी ने साथ दिया तो बताऊंगा कि जहरा ने अपनी दुआ में कहा क्या है। बीबी फातिमा ने अपनी कुनूत में क्या कहा, जो बीबी एक हाथ से कुनूत पढ़ती थी। हम मजलिसों को बहुत आसान समझने लगे, इसलिए अपनी अपनी मर्जी से आने लगे। बुरा ना मानिएगा, क्योंकि मैं आपके ही शहर का हूं, जिस इलाके में आप हैं उसी इलाके में मैं भी रहता हूं, मेरी कुछ जिम्मेदारियां एक्स्ट्रा बनती हैं। खुदा के लिए आपकी जिम्मेदारी है अपने घर वालों को बताएं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं, पहले तो हमारे जमाने में अय्यामे अज़ाए फातिमिया दो दिन या जिस दिन शहादत थी उसी दिन मजलिस होती थी। देखो, अगर पूर्वज सोए रहे तो जरूरी नहीं कि औलाद भी सो जाए। वक्त जब कम होता है ना, तैयारियां ज्यादा होती। अब जहूर करीब है, बहुत करीब है, हर दिन एक नई अलामत जाहिर हो रही है। ये दुआ सिर्फ मसाइब के खात्मे के लिए नहीं, बीबी फरमाती है कि इसे समझ के पढ़ो, तुम्हारा ईमान पहाड़ से ज्यादा वजनी हो जाए, कोई उस ईमान को हिला नहीं पाएगा। मैं शुरू करता हूं, दुआ करता हूं इस दुआ के साथ कि बीबी हमारे इन अल्फाज को कबूल कर लेना। बीबी, ये आपके मुकद्दस जबान से निकले हुए अल्फाज एक गुनहगार अपनी जबान से जारी करने जा रहा है। बीबी, आज इस जबान को इतना पाक कर देना और हमारी जबानों को इतना पाक कर देना कि इसके मतालिब में असर आ जाए। शुरू करता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अज़्ज़ा, बुलंद आवाज से पढ़े। देखिए, एक सफ़े की दुआ है, ये जनाब सैयदा के अय्याम हैं, एक एक जुमला पढ़े। ये दुआ कब की ये बताऊं आपको, क्या जरूरत थी फातिमा को इस दुआ को तालीम करने की, तौबा करके। ये जब पसलिया टूट चुकी है उसके बाद की दुआ। किसी से भी पूछना, अगर उंगली की हड्डी टूट जाए ना, ये भी आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने पढ़ा था, तो डॉक्टर कहता है इसे हिलाना मत, लेकिन अगर पसली टूट जाए ना, तो डॉक्टर ने कहा है कि हर सांस एक जख्म है। अब इस दुआ को पढ़ो, तुम्हें खुद पता चलेगा कि कितनी बार इस दुआ को पढ़ने में सैयदा ने सांस लिया होगा और कितनी बार पसलियों को पकड़ के कहा होगा वाह बता हाय बाबा हाय बाबा। लिहाजा बुलंद आवाज से पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अज़्ज़ा मज़कूर व अक़दमहु क़िदमन फिल इज़्ज़ते वल जबरूत, या रहीम कुल्लो मुस्तरहिम व मफ़ज़ा कुल्ले मलहूफ, या अल्लाह या राहिमा कुल्ले हज़ीनिन यश्कू बस्सहू व हुज़्नहू इलैह, या खैरा मन सुइला अल मारूफ मिन्हु व असर्रा फिल अता, या मई यखाफुल मलाइकतो
बुलंद आवाज से पढ़े, मैं दोहरा रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, कम से कम इतनी आवाज तो हो कि मौला हुसैन उस आवाज पे आपकी तरफ मुतवज्जे, ये उनके मादर गिरामी की तालीम करता दुआ है। अल मुतवक्कदतो बिन नूरे मिन हो असअलुका बिल अस्माइल लती यदूका बेहा हमलतो अर्शिका वमन हौला अर्शिका बेनूरेका योसब बेहुना बेहा शफ़क़तन मिन खौफे इकाबिक वबिल अस्माइल लती यदूका बेहा जिब्राइलो वमिकाइलो वइसराफीलो इल्ला अजबतनी वकशफ्ता या इलाही गुर्बती वसतरता जुनूबी। यहां पे बीबी सलामुल्लाह अलैहा परवरदिगार से कह रही है, मेरे महबूब, मेरे चाहने वाले जब आए तो तेरी जहरा तुझसे कह रही है कि उनके गुनाहों को छुपा ले। इसलिए कि मैदान महशर में मेरे दुश्मन भी हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चाहने वाला रुसवा हो जाए, इसलिए इनके गुनाह को छुपा देना बाबू। मतलब आप खुद सोचे कि करीबी की किस मंजिल पे है जनाबे जहरा, कह रही है बताना ही नहीं छुपा देना, क्यों? वजह बता रही है, मेरे दुश्मन भी होंगे बाबू, मैं नहीं चाहती इनकी बेइज्जती हो, मैं नहीं चाहती कि कोई ने रुसवाई की निगाह से देखो 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 वो फातिमा का चाहने वाला तो ये गुनाह करके आया। या बन अमरा बिसैहते फी खल्के ही फाइजा हम बिसाहिरते युहशरून वबिज़ालिकल इस्मिल्लज़ी अहयैता बिहिल इज़ामा वहिया रमीम अहये कल्बी वश्रह सदरी वस्लह शानी यामन खस्सा नफ्सहू बिलबकाई व खलका लिबरियतिहिल मौता वल हयाता वल फना यामन फेलहू कौलुन व कौलहू अमरुन व अमरहू माजिन अलामा यशा असअलुका बिल इस्मिल्लज़ी दआका बेही खलीलों का हीना उल्किया फिन्नार फदआका बेही फस तजबता लहू वकुलतवा या नारो कूनी बर्दं वसलामा अला इब्राहीम। देखिए यहां पे बीबी फरमाती है, क्या पता है कि अगर किसी के गुनाह इतने ज्यादा हो कि तन्हाई में उस पर जहन्नम वाजिब हो तो एक काम करना, भेज देना ये तेरा आदल इब्राहिम की तरह, बचा के निकाल लेना ये तेरा काम। मुलाहिजा किया आपने, यानी टूटी हुई पसलियों के बावजूद हमारा इतना ख्याल, और हम हैं कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा की मजालिस मुनक़िदे माने की जहमत भी नहीं करते। नौजवानों पे वाजिब है अपने घर वालों को मुतवज्जे करें, आज ही जाएं उन्हें बताएं कि किस गफलत में पड़े हुए। वबिल इस्मिल्लज़ी दआका बेही मूसा मिन जानेबित तूर अल आईमन फस ता जब ता लहू वबिल इस्मिल्लज़ी
خلقتا بہی عیسیٰ من روح القدس وبالاسم الذی تبتا علی داود وبالاسم الذی وهبتا لزکریا یحییٰ وبالاسم الذی کشفتا بہ عن ایوب الذرہ وتبتا بہ علی داود وسخرتا بہ سلیمانا الریح تجری بأمره والشیاطین وعلمته منطق الطیر وبالاسم الذی خلقتا به العرش وبالاسم الذی خلقتا به الجن والانس وبالاسم الذی خلقتا به جميع خلقك وبالاسم الذی خلقتا به جميع ما اردت من شيء وبالاسم الذی اب ہاتھوں کو اٹھا لیں وبالاسم الذی قدرتا به علی کل شيء اسالک به بهذه الاسماء الا ما اعطيتني سؤالي وقضيت حوائجي یا کریم. اپنی اپنی حاجتیں بھی طلب کرتے رہیں اور اس کے دو فقرے بھی سن لیں. بی بی نے آخر کے آٹھ لائن میں اپنے شوہر کی فضیلت بیان کیا. پروردگار تجھے واسطہ اس نام کا جس نام کی وجہ سے ابراہیم آگ سے بچ کے آئے, تجھے واسطہ اس نام کا جس کی وجہ سے موسیٰ پہاڑ پہ گئے اور نبوت لے کے آئے, تجھے واسطہ اس نام کا جس کی وجہ سے سلیمان کے لیے ہوا قابو میں آئی, تجھے واسطہ اس نام کا جس کے لیے جس کے نام کی وجہ سے فلاں فلاں انبیاء کی توبہ قبول ہوئی, تجھے واسطہ اس نام کا جس کی وجہ سے عیسیٰ بن مریم کو بلندی ملی. اب یہ ساری باتیں اور بہت سی باتیں ہیں جسے میں نے دعا میں پڑھا لیکن تشریح میں چھوڑ دیا, اور بہت سی باتوں کے بعد بی بی بس اتنا فرماتی ہیں کہ تجھے ان آسما کا واسطہ, یہ کر دے یہ کر دے یہ کر دے. اور علی فرماتے ہیں کہ سلیمان کو جس کی وجہ سے حکومت ملی وہ میرا نام تھا, ابراہیم جس کی وجہ سے آگ سے بچ کے آئے وہ میرا نام تھا, عیسیٰ کی زندگی جس وجہ سے بچی وہ میرا نام تھا. یعنی ایک طرف دعا بھی ہے, ایک طرف منافقوں پہ اسلحہ بھی ہے. میں امید کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ بس دو یا چار جملے, اس لیے کہ دعا میں بھی آپ مسلسل روتے رہے. آپ نے دیکھا جو میں نے گنا ہے اس دعا میں, سو جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ سانس لینا بندوں کی مجبوری ہے, الف سے لے کے یہ تک کچھ ایسے حرف ہوتے ہیں جہاں آپ کو سانس لینا اور چھوڑنا یعنی آزاد کرنا یہ مجبوری ہے. تو کم سے کم سو جگہ تو اس دعا میں سیدہ نے سانس لیا. آج ایک اور مصائب کی طرف آپ کو متوجہ کروں گا, جا کے سوچئے گا. باہر ہمارے عزیزوں نے ایک دروازہ بنا کے لگایا ہے شبیہ کے طور پہ, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک میخ لگی ہوئی ہے جو سرخ رنگ کی ہے. اگر نہیں دیکھا تو جا کے دیکھ لیجئے گا. زہرا کے دروازے میں کیل تھی جو زہرا کی پسلیوں میں چپ گئی تھی. سن لیا آپ نے؟ نہیں. بہت سے لوگ سسک کے رو رہے, کچھ کی چیخیں بلند ہوئی. میں تم سے صرف اتنا پوچھوں گا, اگر سگی ماں کو تمہارے کوئی تماچا مار دے تم پہ کیا گزر جائے گی؟ ساری زندگی کے لیے اپنا رشتہ توڑ دو گے نا؟ حسنین کی اما کو صرف تماچے نہیں لگے, جلتے ہوئے درو دیوار کے درمیان پیس دیا گیا. اب یہ میں نے سانس پہ کیوں گفتگو کی میں تمہیں بتاؤں, کیل
शिकम अखदस में बुर्ज इसमत में चुप गई थी। मेरे नौजवानों ये मसाया तुम्हें याद रह जाएगा। फिर कुनफुद मलून ने तलवार की नोक चुप होई, अब भी नहीं समझे। बीबी जितनी मर्तबा सांस लेती थी खून का फवारा उस जगह से निकलता था। बीबी तड़प के कहती थी वाह बता। मैंने कहा है मेरी कोशिश रहेगी जितने दिन भी है, दो दिन चूंकि हुक्म है इसलिए उसे छोड़ के जनाबे सैयदा के मसाए पढ़ने। जितनी मर्तबा सांस लेती थी ना तो सांस लेने में एक ताकत सी लगती, तो वो जो कील चुभी थी ना वहां से खून का फव्वारा निकलता। जमाने ने तुम्हें बताया नहीं कि फातिमा ने क्यों तड़प के कहा था या अली मेरी कुछ वसीयतें हैं उसे मान लीजिएगा। बिन्त रसूल कौन सी वसीयत का मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा। नहीं, चाहने वालों के दरमियान ये फिक्रे पढ़ाऊं मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा। खुदा की कसम आयतुल्लाह अफगानी ने अपने बयान में फरमाया था रात में गुस्ल भी देने की वजह और वसीयत इसलिए थी कि कहीं ऐसा ना हो अली मेरा शोहर उस जख्म को देख ले, क्योंकि अली ने जब हाथ हटाया आवाज दी सारा अलाजमतुल्लाह। बस सिमट गई बात, सिमट गई मेरी बात। अल्लाह इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे। इस सिलसिले की दूसरी मजलिस थी कल परसों और नरसों, फिर बीबी सलामुल्लाह अलैहा पे गुफ्तगू कर लिए, लेकिन मसाइब सोच के आइए। पसलियां टूटी एक नहीं, बाज़े रिवायात में है तीन, बाज़े रिवायात में है चार। जो मानना हो मानिए, पसली जब टूट जाती है ना। हाँ, मैं आज ही बैठा हुआ, गालिब भाई मेरे जितने अहबाब हैं उनको मुतवज्जे, आज ही बैठा हुआ एक किताब मुझे मिली जिसमें कहाँ की हड्डी टूटे तो क्या होता इसके बारे में तफसील से लिखी है। तो मैंने जैसे उस किताब को देखा तो मैंने सोचा चलो पहले देखता हूं पसली टूटे तो क्या होता। लिखा है कि अगर एक पसली टूट जाए ना तो इंसान का 10% जिस्म उस एक तरफ झुक जाता। तुम सोचो जिसकी चार पसलियां टूटी होगी उसकी क्या कैफियत होगी। उसके बावजूद वो सल्ले पे बैठ के इबादत भी कर रही है हसनैन के लिए रोटी है। और हमें बचाने के लिए दुआएं भी तालीम कर रही है। मेरा सलाम उस बीबी के ऊपर जिसने अब गरीबों का इतना ख्याल रखा। अपने घरों पे जाके बताना कि ये सारी कायनात सैयदा का एहसान है। खुदा के लिए इन मजलिसों में हुसैन आते हैं, एक एक आने वालों को देखते। मेरी माए बहने अपने बच्चों और बच्चियों को लेके आओ, वो जितना भी सताए उन्हें मजलिसों में बिठाओ, कम से कम तुम्हें रोता देखेगी तो ये तो पूछेगा अब्बा क्यों रो रही हो, तो पलट के कहना हुसैन के अब्बा की पसलियां टूट गई। दरो दीवार के दरमियान पीस दिया गया। अरे ऐसे जुल्म हुए कि फातिमा का हाथ पसली से ना उठा। दुआ करता हूं उन लोगों के लिए और आपसे भी कहूंगा इन अय्याम अज़ाए फातिमिया में दामे दिरहमे सुखने शिरकत करें, अपने मरहूमीन को याद करें, सबीलों में हिस्सा लें। कहीं पे रोशनी कम लग रही है एक बल्ब ला के लगाएं ताकि आपके कब्र को फातिमा मुनव्वर करें। हमारी जिम्मेदारियां हैं,
अगर हम कुछ इमदाद कर देते हैं इस सिलसिले से तो बुरी चीज नहीं है। बैनर्स, ये सारी चीजें मैं बार बार कहता हूं, ये मजलिसें अहालिया ने मीरा रोड की है, हम सिर्फ एक खादिम हैं। कन्वीनर कन्वीनर नहीं होता, हसन इमाम साहब एक खादिम है, मैं एक खादिम हूं। इंसाफ से बताइए, कहीं भी बीबी ने यह कहा कि ये अलग, ये अलग नहीं। दुआ की तालीम फरमाई तो यही कहा कि मेरे अल्लाह मेरे चाहने वालों को गुनाहों को छुपा देना, रुसवाई ना होने। क्या ख्याल है जनाब सैयदा को, पता है मैंने 5-7 मिनट आपके ज्यादा ले लिए, लेकिन यकीन जाने अगर मैं दुआ ना पढ़ता तो वक्त ज्यादा ना होता। मैं माजरत भी चाहता हूँ आपसे कि आपको घर जाने में देरी होगी। बहरहाल परवरदिगार आपके हाजात को कबूल करे, और ये जितने नौजवान बुजुर्गान इन अय्याम अज़ाए फातिमिया में आए हैं, मेरे अल्लाह इन्हें सेहत के साथ रखना, सलामत रखना, इन्हें कोई दुख न देना, इनके बच्चों को तरक्की अता करना। ए मेरे अल्लाह अगर कोई गमगीन हो उसका गम दूर कर दे, सिवाय गम जनाब सैयदा हमें कोई गम ना दे, सिवाय इनकी औलादों के गम के हमारे दिल में कोई गम ना हो। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, हम दुआ करते हैं उलमाए हक्का की हिफाजत फरमा, अतबात आलिया की हिफाजत फरमा। ए मेरे अल्लाह हम सबको हक और मारिफत बयान करने की तौफीक, ए मेरे अल्लाह हम सच्चे दिल के साथ फजाइले जनाब सैयदा सुने और मसाइब जनाब सैयदा पे गिरिया करें, ताकि इमाम हुसैन अलैहि सलाम हमसे राजी। यही दुआ कर रहा हूँ कि हजरत के जहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा, परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफर व नफाक को सरनगो फरमा। मोमिनीन, कल इख्तिताम मजलिस में नहीं बल्कि इब्तदाए मजलिस में मैं बीबी सलामुल्लाह अलैहा का एक इस्तगासा किताब के दामन में मुझे मिला है, और इस्तगासा दुआ से आगे की चीज़ है। इस्तगासा वहाँ पे किया जाता है जहाँ हम सब कुछ हार चुके होते हैं, और ये इस्तगासा बीबी का है, लिहाजा और मैं इसे खुतबे के फौरन बाद पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था कभी दुआएं आखिर में होंगी कभी शुरू में होंगी। और इस इस्तगासे के लिए इमाम का ये वादा है कि तुम अपनी जगह से अपने मकाम को छोड़ोगे नहीं, तुम्हारी दुआएँ पूरी होना शुरू हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Thank you.